आज तो मर जाएंगे, हाय हम तो डर जाएंगे, तेरे कमेंट से यारा कहीं पर छुप जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये गाना हम गा रहे हैं अपने एक श्रीमान जी के लिए जिन्होंने कमेंट्स किया है कि भाई है हिम्मत तो गाड़ी नंबर दिखा। मैं बताता हूँ भाई, क्या बताओगे, गाड़ी नंबर देखना है? लो भाई, खुला चैलेंज, आपको गाड़ी हमने दी है रोक और ये रहा हमारा गाड़ी नंबर। अब बताओ भाई क्या करने का है? जो करने का है वो तुमको करने का है, अपने को कुछ नहीं करने का है। अपना तो काम करने का है और काम करेंगे दिल्ली NCR में, ठोक कर करेंगे, जिसको रोकना है तो रोक के दिखाए। चलो दोस्तों आज काम करते हैं भाई। अरे बाबा रे बाबा, ये देखो भाई, एक अकेले को घेर लिया है 3-4-5 लोगों ने। हाँ ऐसे ही हमारे एक श्रीमान जी भी हैं, हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं है हम क्या चीज है। चलो टाइम खराब नहीं करते हैं श्रीमान जी के ऊपर और ओला के अंदर होते हैं ऑनलाइन और राइड करेंगे। और हाँ एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज है छोटी दिवाली, तो आज हम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से बचकर रहेंगे, साथ में किसी मार्केट में भी जाने से बचेंगे। स्काई गार्डन फेज 2 जाकर फंस जाने वाली बात है। 15 किलोमीटर के 150 रुपए मिल रहे हैं, चलो उठा ही लेते हैं। अरे कल की वीडियो में बताया था ना, ज्यादा सोचने का नहीं है, जो आने का है चुपचाप बटोरने का है, तभी कुछ कमाने का है। आखिरकार एक्सेप्ट करी ली भाई आज की पहली बुकिंग, जो कि है 1 किलोमीटर दूर से ऑन रोड से। और पैसा कितना मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा, पहली बुकिंग तो हम अच्छी ही उठाते हैं ना। सुने ना सुने ना सुने ना, तू कहाँ मैं यहाँ। आ जाओ मैडम जी, आती नहीं है, आएगी आएगी आएगी। तो इंदिरापुरम में हमने सुनैना जी को भाई ड्रॉप कर दिया है और कंटिन्यू दबा रहे हैं, कारण क्योंकि भाई ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है। एक और राइड एक्सेप्ट करी थी एडवांस में ही हमने, इसको भी ओके कर लेते हैं कि भाई जा रहे हैं। दीपक कुमार जी हैं ये, और भाई आप लोग सोच रहे होंगे सुनैना जी को क्यों नहीं दिखाया, तो देखो भाई ये गलती हम बाकी यूट्यूबर को बोल रहे हैं, कभी मत करना। कस्टमर की इच्छा के बिना कस्टमर का फेस मत दिखाना, या तो परमिशन ले लो, अगर किसी का फेस दिखा रहे हो तो उनको बता दो कि भाई आपका फेस दिखा रहे हैं, हम यूट्यूबर हैं, तब तो चल जाएगा। लेकिन बिना किसी इजाजत के अगर आपने किसी का फेस दिखाया और उसने कंप्लेंट कर दी तो जेल यात्रा संभव है। चलिए भाई दीपक भाई को उठाते हैं फटाफट और इनको भी ड्रॉप करते हैं और देखते हैं इस राइड में कितनी कमाई होगी, दोनों राइड की कमाई एक साथ बताएंगे आप। पहुंच गए भाई हम दीपक भाई की लोकेशन पर और भाई दीपक भाई का कॉल भी आ गया। वेरी गुड है भाई। हेलो भैया, आ गए क्या? हाँ सर, गेट के सामने खड़े हैं, आ जाइए। एक नंबर गेट ना? हाँ एक नंबर ही गेट लिखा हुआ है। हाँ भैया ठीक है सर। चलो भाई वेरी गुड है, ये भी कस्टमर बढ़िया से लग रहे हैं, बातचीत करने में मजा आएगा रास्ते भर में। चलो भाई हम तो भाई कस्टमर के साथ बातचीत करते करते इस सफर को पूरा करेंगे और एंड करने के बाद आपको दोनों राइड में कितने किलोमीटर के कितना पैसा मिला ये भी बता देंगे। तो भाई जैसा हमने बोला था कि दीपक जी के साथ सफर का पता ही नहीं चलेगा, वैसा ही हुआ भाई, सेम पूरे रास्ते हम लोग बात करते हुए आए हैं और अब यहाँ सुपरनोवा की बिल्डिंग के पास भाई ट्रिप एंड कर दी है। 104 रुपए कस्टमर से लिए, अपनी क्या कमाई हुई है बस अभी बताते हैं, पहले दीपक जी से पेमेंट ले लेते हैं। भाई आज ये ओला रुकने देगा नहीं देगा भाई, हम सोच रहे थे पैसे बताएं आपको क्या कमाई होगी, फिर राइड आ गई। ये आइए भाई बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन से इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे, तो चलो भाई फटाफट इनको भी उठा के इनको भी छोड़ते हैं, पूरा हिसाब किताब लगता है एंड में बताना पड़ेगा। तो भाई नेगी जी का हो रहा है इंतजार अभी तक, नेगी जी आप ही हैं? नेगी जी के नाम से? हाँ ठीक, वेरी गुड है भाई, बड़ी जल्दी आ गए ये जी। तो दोस्तों लास्ट कस्टमर को भी भाई ड्रॉप कर दिया और काम की बात करें तो भाई नॉन स्टॉप काम किया, आपको पता ही है भाई टोटल स्कूटी नॉन स्टॉप में चली है 45 किलोमीटर और टोटल कमाई हुई है 310 रुपए नॉन स्टॉप के अंदर। अब जा रहे हैं भाई, अब स्टॉप हो गया, अब एक काम करते हैं तसल्ली से कहीं रुकते हैं, देन तीनों ट्रिप के बारे में बताते हैं कौन सी ट्रिप के अंदर कितने की कमाई हुई है। काम धंधे की तो ऐसी वाट लगी हुई है कि ये देखो भाई लाइन लगी पड़ी है, लाइन सारे ऑटो वाले कैब वाले, भाई पीछे भी हम आ रहे थे ना वहाँ भी तो नहीं लंबी लाइन, सारे कैब वाले दुखी है यार ये लोग, यार
या हम लोग यार ये दिवाली कैसे मनाएंगे, इतना बुरा हाल है। तो दोस्तों अपने इन्हीं भाइयों के बीच में हम भी रुक गए और अब हम ओला का आपको हिसाब बता देते हैं। तो पहली राइड ओला की हमारी 14 किलोमीटर की थी और भाई 14 किलोमीटर में 150 रुपये मिले, यकीन नहीं हो रहा भाई इतना अच्छा पैसा ओला ने दिया है। लेकिन वहीं पर ओला ने क्या कर दिया भाई, दूसरी राइड के अंदर ही झोल झाल कर दिया। दूसरी राइड है भाई 95 रुपये की, यानी हमें 95 मिले और किलोमीटर है भाई 18 किलोमीटर के 95 रुपये एकदम से ऊपर चढ़ा के और नीचे कर दिया भाई। एक और राइड थी आपको पता है लास्ट वाली, उसका भी बता देते हैं आपको। तो भाई उसके अंदर है 10 किलोमीटर के 62 रुपये मिले हैं। अब आपको एक ज्ञान की बात बताऊं भाई, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये ध्यान से सुन लेना। जो दूसरी राइड थी वो आई थी एडवांस में। ये जो एडवांस की राइड होती है ना, ये हमेशा नुकसानदायक होती है, क्योंकि वो राइड जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, उसको कंपनी ऐसे राइडर को दे देती है जो उस एरिया में आ रहा है और उसे वहाँ का कुछ नहीं पता कि वहाँ पर सर्ज लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, कस्टमर की डिमांड कैसी है, राइडर कम है या ज़्यादा है। तो वो राइडर एडवांस में उठा लेता है और वो ही राइडर हमेशा मारा जाता है, उसको ही पैसे कम मिलते हैं जो एडवांस में ट्रिप को एक्सेप्ट करता है। तो यकीन ना हो तो इस चीज़ को आजमा के देख लेना, डिफरेंस आपको साफ पता चल जाएगा। तो दोस्तों ओला के अंदर राइड तो कोई आने रही, तो हमने कहा चलो बोर्जो खोल के देख लेते हैं। तो बोर्जो में देख रहे हैं भाई एक ऑर्डर हमारे से 4 किलोमीटर दूर से पड़ा हुआ है और भाई ये 18 किलोमीटर दूर जाना है, 18 किलोमीटर के 90 रुपए मिल रहे हैं। वहीं इसके नीचे एक ऑर्डर है भाई जो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर से है और 2 किलोमीटर की डिलीवरी है, यानी 2 किलोमीटर के 54 रुपए मिल रहे हैं। भाई क्या हिसाब है ये, 2 किलोमीटर के 54 रुपए और 18 किलोमीटर के 90 रुपए। क्या क्या फंक्शन चालू कर देते हैं कंपनी वाले राइडरों के लिए। वो अभी आ रही है ना दिवाली, दिवाली में वो चक्कर घिन्नी होती है ना, चरखड़ी जिसे बोलते हैं भाई, आग लगा दो और भिन करके घूमती है और छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर कूदते हैं। बस वो समझ लो भाई कि कंपनी ने ना हमारे पिछवाड़ों में आग लगा दी है ऐसी ऐसी स्कीमें ला के, और हम लोग चक्कर घिन्नी की तरह घूम रहे हैं और कस्टमर मौज मार के हमारे ऊपर उछल रहे हैं। कस्टमर मौज मारे क्यों नहीं, कंपनी स्कीम ही ऐसी लेके आई है भाई। इस स्कीम के अंदर जो जिसमें आप ये देख रहे हो 18 किलोमीटर के मिल रहे हैं 90 रुपए, उसके अंदर कंपनी का ये कहना है कि भाई एक ऑर्डर लेके क्यों जा रहे हो, मत जाओ ना एक ऑर्डर लेके, हम 5 ऑर्डर की छूट दे रहे हैं आपको। तो भाई हम ये बोल रहे हैं भाई 5 ऑर्डर होने भी तो चाहिए। बस भाई यहाँ से ना खाली चलने का इरादा था घर की तरफ, लेकिन बस जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी वैसे ही ऑर्डर आ गया सेक्टर 76 का घर की साइड का। धन्यवाद ओला भाई तेरा इस काम के लिए, तो तहे दिल से धन्यवाद कि तूने घर की तरफ की राइड दे दी यहाँ से भाई। चलो भाई अब सेक्टर 76 ड्रॉप करते हैं, फिर देखते हैं थोड़ी सी और घर की तरफ की आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट में तो भाई काम नहीं है। ये देख लो हालत, मार्केट में काम नहीं है, कितनी गाड़ियां खड़ी हुई। हो गई भाई ये वाली ट्रिप भी एंड और 66 रुपए कस्टमर से मिल चुके। अरे यार कस्टमर तो अच्छा था, एक पॉइंट रह गया, टोटल मिला के 370 रुपए का काम। घर के काफी नजदीक सामने जा रही है नोएडा की मेट्रो और सामने है मेट्रो 76। चलो चुपचाप से घर निकलते हैं। तो भाई एक आध राइड और उठाने के लिए हमने लगा दी है ओला के अंदर होम लोकेशन और अब होम लोकेशन लगा के धीरे धीरे हम घर की तरफ जाएंगे। हाँ एक खुशखबरी देते हैं भाई, दिवाली है तो खुशखबरी देना बनता ही है ना। एक कंपनी से बातचीत चल रही है, अगर उस कंपनी से बातचीत फाइनल हो जाती है तो भाई आने वाला टाइम आपके लिए बड़ा लकी होगा। और वो लकी इसलिए होगा कि ये ओला उबर रैपिडो पोर्टर बोर्जो अंकल डिलीवरी जो भी मर्जी काम करते करते आप दिन भर के पेट्रोल के पैसे चाहे वो 150 लग रहे हो चाहे 300 लग रहे हो बाहर निकाल सकते हो, फ्री कर सकते हो। बस उस कंपनी से एक बार बात हो जाए तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम आपको जरूर देंगे इसी चैनल पर। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है। आज की वीडियो झकास लगी हो तो लाइक भी जरूर मार दीजिएगा। करते हैं इस वीडियो को खत्म और जाते जाते आपसे कहते हैं जय हिंद जय भारत।